जेडीयू ने पार्टी के बागी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव केसी त्यागी ने प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। इसे लेकर केसी त्यागी ने लेटर जारी किया है जिसमें दोनों नेताओं पर कार्रवाई का जिक्र है। दरअसल प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से सीएए एनआरसी को लेकर पार्टी का लाइन से हटकर बयान दे रहे थे, जिसके बाद खबर मीडिया की सुर्खियां बनी और जेडीयू की नीति पर सवाल उठा। बाद में प्रशांत किशोर और पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार के बीच बैठक हुई, लेकिन पीके के तेवर नहीं बदले और ट्वीट के जरिए उन्होंने सीएए एनआरसी पर लगातार सवाल उठाया। बुधवार को मीडिया के सामने आए नीतीश कुमार ने मीडिया के सवालों पर कहा था कि अमित शाह के कहने पर पीके को पार्टी में रखा गया था और मैंने नेताओं को पार्टी में सम्मान दिया, लेकिन अब अगर कोई पार्टी छोड़कर जाना चाहता है तो जा सकता है। सीएम से इसी बयान पर पीके ने ट्वीट कर सीएम को जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को झूठा बताया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को लेकर पवन वर्मा ने सवाल उठाया था और पार्टी नेताओं से बातचीत किए बिना ही मीडिया में अटपटा बयान दिया था। इन सब मुद्दों को लेकर आज जेडीयू ने दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जेडीयू से बाहर होने के बाद प्रशांत कुमार ने ट्वीट कर नीतीश कुमार का धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा काबिज हों, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो जेडीयू से बाहर होने के बाद प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद कहा, थैंक यू नीतीश कुमार लिखा और साथ ही ये भी कहा कि आगे भी सीएम बनने के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो सीएम की कुर्सी पर दोबारा काबिज होने के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट के जरिए। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से हमारे संवाददाता मरगुब आलम। मरगुब, जेडीयू ने पार्टी के बागी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और लगातार प्रशांत किशोर और पवन वर्मा जेडीयू के खिलाफ यानी पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगे थे और कल सीएम नीतीश कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि वो बाहर जाना चाहें तो वो स्वतंत्र हैं। तो आखिर जब उन्होंने खुद ही कहा कि जब वो स्वतंत्र हैं खुद ही बाहर जा सकते हैं, तो आज पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता क्यों दिखाया? 11 बजे दिन से और आज शाम के 4 बजे तक की अगर आप बिहार की बात करें तो बिल्कुल लगा पूरे बिहार मीडिया में एक हड़कंप समझ गया। कल कारगिल, कल सरजिल की गिरफ्तारी हुई, हड़कंप मचा। आज सुबह भारत बंद था, सरजिल को पटना लाया गया, एकाएक पटना के कंकड़बाग में प्रोफेसर की हत्या हो गई और शाम होते होते पॉलिटिकल गलियारे से इतनी बड़ी खबर निकल के सामने आई। पवन वर्मा, प्रशांत किशोर दोनों पर कार्रवाई दिल्ली से हो गई और किसी को पता नहीं चला। उसके बाद तत्काल खबरें चलाई गई। देखिए, पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी आज से 10 दिन पहले जी। और उस स्क्रिप्ट को रिटेन कर दिया कल प्रशांत किशोर की ट्वीट ने, जिसमें नीतीश कुमार के उस बयान के बाद कि जिसको भी रहना है वो पार्टी लाइन पर है अन्यथा बाहर जाए, उस पर प्रशांत किशोर ने कहा था आपका खून मेरे जैसा नहीं है, आप हमें अपने जैसा न बनाएं, आपसे मैं अनुरोध करता हूं। इसका सीधा मतलब था कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को सीधे कटघरे में खड़ा किया, आपको जो मर्जी है वो कीजिए, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज शाम होते होते प्रशांत किशोर पर कार्रवाई हो गई। प्रशांत किशोर पर कार्रवाई का सीधा मतलब है कि जदयू में अब किसी पर कार्रवाई हो सकती है। पवन वर्मा एक छोटा उनके बाद आते हैं। पवन वर्मा प्रशांत किशोर से ज्यादा एग्रेसिव थे, नीतीश कुमार के पूरे सिस्टम के खिलाफ उन्होंने एनआरसी और सीसीए पर कहा था, लेकिन प्रशांत किशोर का जो ट्वीट होता था वो ट्वीट कहीं ना कहीं एक तीर से कई निशाने वाला होता था और यही कारण था कि प्रशांत किशोर ने पूरे मामले में नीतीश कुमार पर जब कटघरे में खड़ा किया तो अंत तक पार्टी को डिसीजन लेना पड़ा और प्रशांत किशोर को प्राथमिक सदस्यता से भी बर्खास्त कर दिया गया। उनकी उनको उनके पार्टी ने उनको जितने भी कैसे अधिकार दिए थे वो सभी छीन लिए गए। और उसके बाद प्रशांत किशोर का ट्वीट देखिए, थैंक यू नीतीश कुमार, यू हैव द रिटर्न द चीफ मिनिस्टर पोस्ट,
इसका मतलब है कि आप अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखें। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर निश्चित तौर पर, ये जो पूरा संदेश था ये बताता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खाई प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच में चली गई थी। उस खाई को भर पाना बहुत मुश्किल था और प्रशांत किशोर की उस ट्यूट ने उस खाई को समुद्र में तब्दील कर दिया। सारी संभावनाएं कल शाम में खत्म हो गई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि किसी भी समय प्रशांत किशोर पर कार्रवाई हो जाएगी और आज शाम तक कार्रवाई हो गई तो बड़ी कार्रवाई अपने आप में। यह बिहार के राजनीतिक खड़कों में कार्रवाई नहीं है साहिबा, यह भारत के राजनीतिक खड़कों में कार्रवाई है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भारत की राजनीति और बिहार की राजनीति पर इसका एक बहुत बड़ा अमिट छाप और कह सकते हैं कि एक प्रभाव पड़ने वाला है। जी मरगुप, जिस प्रकार से जेडीयू ने बड़ी कार्रवाई की, प्रशांत किशोर और पवन वोरा को बाहर करो, उसी प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर थैंक यू नीतीश कुमार लिखा और साथ ही ये भी शुभकामनाएं दी कि आगे भी आप सीएम के पद पर काबिज रहे, इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरीके के बयान से लगता है कि प्रशांत किशोर पहले भी मन बना चुके थे कि वो बाहर का रास्ता रुख अपनाएंगे, इस प्रकार से लगातार वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगे हुए थे। देखिए बिल्कुल साहब, आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए पार्टी गतिविधि, पार्टी के खिलाफ अगर आप बयानबाजी कर रहे हैं तो पार्टी आपको पहले एक बार दो बार तीन बार संभलने का मौका देगी। नीतीश कुमार का वो पंच लाइन आप समझिए, प्रशांत किशोर हो या पीके हो, पवन वर्मा हो, आपको अगर पार्टी में रहना है तो पार्टी लाइन पर चलना पड़ेगा। सीधे तौर पर ये चेतावनी थी प्रशांत किशोर के लिए और पवन वर्मा के लिए नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया था कि अब आप पार्टी में अगर हैं तो पार्टी लाइन पर चलिए, मतलब सीसीए का आप समर्थन कीजिए और एनआरसी और एनपीआर पर जो मुख्यमंत्री का निर्देश है या मुख्यमंत्री जो कहा है उसका समर्थन कीजिए। लेकिन प्रशांत किशोर हर दिन ट्वीट करके बोलते थे कि किसी की हिम्मत नहीं है वो एनआरसी को बिहार में लागू कर ले, वो सीसीए को लागू करा दे, हिम्मत है तो अमित शाह लागू कर दे। देखिए प्रशांत किशोर नीतीश कुमार तक ही नहीं गए, वो सीधे देश के गृह मंत्री तक चले गए। तो पार्टी के लिए कुछ भी कर पाना, किसी स्तर पर मैनेज कर पाना प्रशांत किशोर को बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक खाई बन रही थी बीजेपी और जेडीयू के बीच प्रशांत किशोर को लेके। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीके सेकेंडरी, पवन वर्मा सेकेंडरी हैं, प्रशांत किशोर पर कार्रवाई बहुत भारी मन से नीतीश कुमार ने किया होगा। मैं आपको बार बार बताता हूँ, आपको याद होगा आज से 15 दिन पहले जब प्रशांत किशोर आ जाए, नीतीश कुमार ने 4 बजे दिन में उनको समय दिया और प्रशांत किशोर ने कहा था कि हमने नीतीश कुमार से बात कर लिया है, अब जो भी होगा पार्टी फॉरम पर होगा। उस समय कोई नेता नहीं था, इसका सीधा मतलब था बहुत बड़ी जगह थी जेडीयू में नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को दिया था। लेकिन एक मुद्दा होता है, उस मुद्दे पर सभी लोगों की अपनी अपनी राय होती है, उस राय से पार्टी सहमत नहीं थी, नीतीश कुमार सहमत नहीं थे और अंततः जब लगा कि बीजेपी या जेडीयू के बीच बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट होने वाला है, प्रशांत किशोर के बयान से बहुत बड़ी खाई होने वाली है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि एनडीए गठबंधन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, अंततः नीतीश कुमार को यह डिसीजन लेना पड़ा और केसी त्यागी ने दिल्ली से कार्रवाई करते हुए पीके और पवन वर्मा को पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से भी बर्खास्त कर दिया और सारे अधिकार उनके छीन लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मरगुब आलम। तो आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई जेडीयू ने की है, प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को पार्टी से बाहर कर दिया है और केसी त्यागी ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बिहार के पॉलिटिकल गलियारे उसमें सबसे बड़ी खबर जहां पर जेडीयू ने प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को बाहर किया है पार्टी से और लगातार पवन वर्मा और प्रशांत किशोर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगे हुए थे, लगातार उन्हें संभल जाने की हिदायत भी दी जा रही थी लेकिन आखिरकार उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की जहां पर उसके बाद उन्हें बाहर करने के बाद प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर थैंक यू नीतीश कुमार भी कहा और साथ ही सीएम नीतीश कुमार को आगे भी सीएम के पद पर काबिज रहने की शुभकामनाएं दी। तो जेडीयू से बाहर होने के बाद प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार को थैंक यू लिखा है और साथ ही ये भी कहा कि आगे भी आप सीएम पद पर काबिज रहे, इसकी शुभकामनाएं भी दी है। तो आपको बता दें कि लगातार पवन वर्मा और प्रशांत किशोर जेडीयू से हटकर पार्टी लाइन से हटकर गतिविधियां कर रहे थे, जिसको लेकर पार्टी कहीं ना कहीं नाराज चल रही थी। लगातार सीएम नीतीश कुमार कह रहे थे, हिदायत दे रहे थे कि पार्टी से हटकर, पार्टी लाइन से हटकर कुछ भी करने पर कार्रवाई की जाएगी या फिर वो स्वतंत्र है अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई जहां पर जेडीयू ने प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया और प्रेस रिलीज जारी कर केसी त्यागी ने जानकारी दी है। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया, साथ ही सीएम की कुर्सी पर दोबारा काबिज होने के लिए शुभकामनाएं भी दी है। अब देखना होगा कि आगे
क्या कुछ रुख अपनाते हैं प्रशांत किशोर और साथी पवन वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर जो यहां पर आपको बता दें कि जेडीयू से बाहर कर दिया गया है प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को, बागी नेताओं पर जेडीयू ने कार्रवाई की। कांग्रेस नेता राजेश राठौर का बयान है, आइए आपको सुनाते हैं। रखे होंगे और अमित शाह जी का आदेश आ गया होगा तो निकाल दिए होंगे, तो जेडीयू का क्या नहीं। अब हम लोग मान लिए हैं कल के बाद कि अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी नहीं है, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के अमित शाह जी हैं। क्योंकि अमित शाह जी के कहने पर नीतीश कुमार जी किसी को रखते हैं, अमित शाह जी के कहने पर निकालते हैं, तो जेडीयू का अपना क्या होता, आरएसएस के गोद में। अब इस पर कुछ प्रतिक्रिया, नीतीश कुमार अब किसी काम के लायक नहीं है जेडीयू में। देखिए, फैसला प्रत्याशित नहीं है, लगातार अपनी अपने बयानों से वो पार्टी के लाइन का विरोध कर रहे थे, पार्टी का अनुशासन तोड़ रहे थे। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब कहा कि जिसको जहां जाना है वो जा सकते हैं, तो इसका मर्म उन्हें समझना चाहिए था कि एक अवसर उन्हें मिला है। अगर उनका पार्टी के नीतियों के साथ उनका रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा है, पार्टी के आधिकारिक लाइन के साथ उनकी सहमति नहीं बन पा रही है, तो उनके लिए द्वार खुले हुए हैं, वो जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने पलट करके जो निजी और व्यक्तिगत आरोप लगाए उससे अनुशासन की धज्जियाँ उड़ी और अंततः पार्टी को दोनों को जिम्मेवारियों से मुक्त करने का निर्णय लेना पड़ा, प्राथमिक सदस्यता से उन्हें बर्खास्त करने का फैसला लेना पड़ा। प्रशांत किशोर जी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों के साथ उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, पवन वर्मा भी एक राष्ट्रीय, उनके जाने से कुछ पार्टी। देखिए, ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जिसको जो जिम्मेवारी मिलती है उससे ये अपेक्षा होती है कि वो अपना काम करे, और नेतृत्व तो नीतीश कुमार जी का विश्वसनीय है, करिश्माई है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई लोग साथ होते हैं, कई लोग नहीं होते हैं, लेकिन मुद्दों को लेकर के पार्टी की समझ और नेतृत्व तो की विश्वसनीयता, ये दो बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल पर पार्टी को कभी किसी की कमी नहीं खलेगी। नीतीश कुमार जी का जब तक नेतृत्व है वो लोगों को प्रेरित करता रहेगा बेहतर काम करने के लिए।